कहते हैं कभी कभी युद्ध शुरू होने से पहले ही एक व्यक्ति अपनी जंग हार जाता है, और शायद ऐसा ही कुछ पहली बार पिछले 4 साल में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंग्स के साथ हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे रोमन रेंग्स बिना लड़े ही कोडी रोड से अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारने की तैयारी कर रहे हैं, और शायद रोमन रेंग्स को पता है कि उनकी टाइटल रेन अब खत्म होने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या है रोमन रेंग्स, तो आप रोमन रेंग्स के लिए शब्द इस्तेमाल करोगे WWE का सबसे बड़ा सुपरस्टार ट्राइबल चीफ, जिसने WWE में पिछले 4 साल से अपना वर्चस्व लहरा रखा है। रोमन रेंग्स के आगे रेटेड आर सुपरस्टार एच, जॉन सीना और कई बड़े स्टार्स और यंग सुपरस्टार्स नहीं टिके। पर ऐसा क्यों कि पहली बार किसी राइवलरी में रोमन रेंग्स अब कमजोर पड़ चुके हैं, जिसके पीछे 3 बहुत ही अहम रीजन हैं, जिसमें से रीजन नंबर 3 रोमन रेंग्स का ये राइवलरी ऑलरेडी हारने के बारे में है कि WWE ने एक बेहद ही गलत स्टिपुलेशन रेसलमेनिया के Night 2 के रोमन रेंग्स वर्सेस कोडी रोड्स के मैच में इंट्रोड्यूस कर दी है। और वो स्टिपुलेशन है कि अगर कोडी रोड्स रेसलमेनिया के Night 2 पे रोमन रेंग्स से अपना दूसरा लगातार मैच भी हार गए, तो कोडी रोड्स कभी भी WWE में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच नहीं लड़ सकते। कोडी रोड्स जितने बड़े स्टार हैं, उन्हें टाइटल से दूर रखना या उनका टाइटल का मैच ना करवाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए दोस्तों, WWE ने एक तरीके से यहाँ पे विनर खुद से ही लीक कर दिया है कि ऐसी स्टिपुलेशन ना ही कोडी रोड्स पे अप्लाई होगी, और इसीलिए वो मैच हारेंगे भी नहीं। तो ये रोमन रेंग्स के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, जिसके बाद दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है कि रोमन रेंग्स किसी भी राइवलरी में प्रोमोस अच्छे नहीं दे रहे। अगर आप लगातार रोमन रेंग्स के प्रोमो देख रहे होंगे इस राइवलरी में, तो आपको लगा ही नहीं होगा कि रोमन रेंग्स पहली बार ज्यादा माइक वर्क कर रहे हैं, और साथ में जब वो माइक पे बोलते भी हैं तो वो जो बोल रहे हैं उनके करेक्टर को सूट नहीं करता। जैसे बीते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे उन्होंने एक बिलो दी बेल्ट यानी कि ऐसी बात बोली, यानी कि सेथ रोलिंग्स को क्रॉस ड्रेसर, जिससे उन्हें काफी ज्यादा हीट का सामना करना पड़ा है। कई सारे फैंस ने उन्हें क्रिटिसाइज करा है कि ऐसे आप किसी को किसी के कपड़ों के लिए कैसे टैग कर सकते हो। आप सभी को पता है कि रोमन रेंग्स बहुत ही वायलेंट ट्राइबल चीफ और औरों से बहुत ही बेहतर सुपरस्टार हैं, तो उनकी अथॉरिटी अपने प्रोमोस में नहीं दिख रही। इस वजह से उनका प्रोमो वर्क भी द रॉक, सेथ रोलिंग्स और कोडी रोड्स के सामने काफी ज्यादा फीका लग रहा है। अब बात करें नंबर 1 रीजन क्या है। किसी भी राइवलरी में कभी आपको रोमन रेंग्स का देख के ऐसा लगा कि वो एक साइड करेक्टर बन चुके हैं? पहली बार द रॉक की मौजूदगी की वजह से रोमन रेंग्स इस राइवलरी में एक छोटे भाई की तरह है, एक छोटे भाई को जैसे रॉक प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं, यानी कि रोमन रेंग्स एक साइड करेक्टर है। चैंपियनशिप उनकी दांव पे लगी हुई है, पर उनकी बात कोई सुन ही नहीं रहा। रोमन रेंग्स इनसिक्योर हैं, वो द रॉक से अपने आप को एक्नॉलेज करवा रहे हैं। सेथ रोलिंग्स यहाँ पे अपने टाइटल मैच के होने के बावजूद भी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और कोडी रोड्स की तो फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो देखा जाए तो जो सब कुछ हार रहा है इस राइवलरी में वो है रोमन रेंग्स, यानी कि अपना टाइटल जो रेसलमेनिया पे वो हार सकते हैं, अपना फैन बेस, अपना करेक्टर, और देखा जाए तो सबसे बड़ी बात अपनी पहचान WWE के टॉप सुपरस्टार के तौर पे। तो रोमन रेंग्स एक तरीके से जंग शुरू होने से पहले ही वो सब कुछ हार चुके हैं। आपका क्या मानना है मेरी इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। चैनलों कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।